तो नमस्कार दोस्तों, मास्टर में आर्य पर यूट्यूब चैनल का स्वागत दोस्तों। दोस्तों आज मेरे पास ये कार्ड आया था, इसके पीछे लिखा भी था कि सर इसमें नो सिग्नल का दिक्कत है, और इसमें 100% मैंने चेक किया तो नो सिग्नल का दिक्कत आ रहा है। टीवी स्क्रीन में पूरा वीडियो आ रहा था, बाकी नो सिग्नल शो कर रहा था। तो इसका जो ट्यूनर पॉइंट है टूटा हुआ था मैंने देखा। और दोस्तों जिसकी भाई को डेट सेटअप बॉक्स रिपेयरिंग कराना, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से हमारे पास मैसेज कॉन्टैक्ट करके अपना डेट सेटअप बॉक्स रिपेयरिंग करवा सकते हैं। और उसके बाद इसमें दिक्कत ये आ रहा है, जब अब इसमें मैं ऑन कर रहा हूँ तो इसका देखो फ्रंट पैनल ही गायब हो गया, फ्रंट पैनल भी गायब हो गया, टीवी स्क्रीन में भी कुछ नहीं आ रहा है, पूरा सब बंद हो चुका है। तो अब इसमें क्या दिक्कत आया आपको मैं अब डिटेल में बताता हूँ। ये वीडियो आप ही के लिए है, इसमें लिखा भी है इसमें सिग्नल नहीं आ रहा है, चैनल चल नहीं चालू नहीं हो रहा, ऐसे लिखा है इसमें। तो यहाँ से अब हम इसमें देते हैं सप्लाई। तो दोस्तों यहाँ से मैंने दे दिया इसमें सप्लाई, और 20 के रैम में आपको मीटर को सेट कर लेना है। और उसके बाद ये रहा हमारा कार्ड। सबसे पहले यहाँ पर 5 वोल्ट चेक करो, तो हमारा 5 वोल्ट ओके है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर 1.10 वोल्ट चेक करो, 1.10 वोल्ट भी ओके है। यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगे इसमें 3.3 वोल्ट चेक करो, ये भी ओके है। हमारे जो ट्यूनर सप्लाई है ये भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ट्यूनर सप्लाई हमारा क्या रिस्पॉन्डेड दे रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा ट्यूनर सप्लाई, यहाँ पर कोई ट्यूनर सप्लाई नहीं आ रहा है। और यहाँ पर अब ट्यूनर सप्लाई चेक कर दो तो यहाँ पर भी ट्यूनर सप्लाई नहीं आ रहा है। और जो ट्यूनर आईसी को पावर देता है 3.3 वो चेक करते हैं, तो हमारा जो ट्यूनर आईसी को पावर देता है वो 100% आ रहा है। बाकी हमारा जो ट्यूनर को पावर देता है वो नहीं आ रहा है, वो सप्लाई इस कारण नहीं आ रहा है क्योंकि ये आईसी जनरेट नहीं हो रहा, इस कारण से ऑन नहीं है। तो दोस्तों ऐसे आपके पास केस आए, आपके पास सिग्नल का दिक्कत है और आप ट्यूनर निकाले और उसके बाद आपका सेटअप बॉक्स ऑन नहीं हो, हम लोग समझते कि आसपास का कंपोनेंट निकल गया है। तो हाँ दोस्तों आप सही समझ रहे हो, मैंने भी ध्यान नहीं दे रहा था, मैंने जब इसका पूरा ये ट्यूनर टूट गया मैं दूसरा लगाने के लिए निकाला। तो दोस्तों इसका ये जो यहाँ पर है ना, इसको क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गया, इसको क्रिटिकल या कुछ इसको बोलते हैं, ये निकल गया है, इस कारण से इसमें पूरा पावर डेड हो गया है। ठीक है, इसको कुछ बोलता है, मैं मेरे याद में आ रहा बाकी मैं भूल गया, ज़रूर याद आएगा इसको, ज़रूर बताएंगे क्या चीज़ है। तो इसको ज़रूर एक बार इसमें लगाओगे तो 100% यहाँ पास का देख सकते हो ये निकल गया, इस कारण से इसमें पूरा डेड हो चुका है, क्रिटिकल या कुछ बोलते हैं मैं भूल गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के लिए बस इतना दोस्तों, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।